पहले
ग्यारह नौ गो को कितने की संतुष्टि प्राप्त हुई है? आठ की। दूसरी एकता को उपभोग किया तो कितने की प्राप्त हुई है? चौदह की। तीसरी का उपभोग किया तो कितने की प्राप्त हुई है? अठारह की। पांचवी इकाई का उपभोग करने से कितने की प्राप्त हुई है? बीस की, फिर बीस की, फिर अठारह की। इस प्रकार हमने देखा कि हमारी उपयोगिता क्या हो रही है, पहले निरंतर बढ़ रही है। जहां हमारी निरंतर बढ़ने के पश्चात जहां हमारा अधिकतम आ गया उसके बाद में क्या करने लगती है? घटने लगती है। कहने का मतलब होता है पहले हम जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं पहले उपयोगिता बढ़ती है और उसके बाद में स्थिर हो जाती है, स्थिर होने के बाद में वो वापस ऋणात्मक हो जाती है। इसके बाद देखोगे उसकी सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का वक्त यूं बनेगा, ओ वाई पर हम उपयोगिता को बताएंगे और ओ और एक्स पर हम किसको बताएंगे? मात्राओं को दर्शाएंगे। ये हमारी कौन सी रेखा है? एमयू रेखा है। अब एमयू रेखा के अंतर्गत आप देखिए कैसे बनाए, जहां ये अधिकतम होती है, जहां ये अधिकतम होती है कौन से बिंदु पर अधिकतम हो रही है? बीस पर। बीस से सीधी एक लाइन नीचे जाएंगे वहां पर हमारी सीमांत उपयोगिता क्या करती है? शून्य। सीमांत उपयोगिता क्या होती है हमारी? शून्य हो जाती है। उसके बाद ही हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? हमारी ऋणात्मक हो जाती है। अब सारणी के द्वारा देखो, पहली इकाई का हमने उपभोग किया तो हमें कितने की प्राप्त हो रही है? आठ में से पहले शून्य में से शून्य को घटाया तो डैश आ गया। दूसरी हमारी आठ में से शून्य को घटाया, अभी हमने अपने सूत्र में पढ़ा था एमयू का क्या सूत्र होता है, क्या था एमयू का सूत्र? उसके अंदर हमने पढ़ा था टी यू एन माइनस वन। तो हमने आठ में से जीरो को घटाया तो हमें कितने प्राप्त हो रही है? एमयू सीमांत उपयोगिता कितने की प्राप्त हो रही है? आठ की प्राप्त हो रही है। अगली इकाई में हमने क्या किया है? चौदह में से दूसरी इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं, चौदह में से हमने आठ का माइनस किया तो हमें एमयू सीमांत उपयोगिता कितने की प्राप्त हो रही है? छह की प्राप्त हो रही है। तीसरी इकाई का उपभोग हमने किया तो हमें एमयू कितने की प्राप्त हो रही है? अठारह माइनस चौदह तो कितने की प्राप्त हो रही है? चार की। नेक्स्ट हमने किया तो इसमें हमें कितने की प्राप्त हो रही है? बीस में से बीस में से पांच ही का उपभोग करने से ऊपर वाली चौथी ऊपर घटाएंगे तो शून्य की प्राप्त हो रही है। उसके बाद भी हम उपभोग करेंगे तो हमें कितने की प्राप्त हो रही है? अठारह माइनस बीस माइनस के दो। माइनस के क्यों आ दो आया है इसको समझो बेटा। इसमें क्या बताते हैं कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, निरंतर किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे कैसी स्थिति आती है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता हमें संतुष्ट कर देती है कि हाँ इसके बाद हमें उपभोग नहीं करना है, ये हमारा अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। जो बी बिंदु है ये हमारा किसको बताता है? अधिकतम संतुष्टि का बिंदु। सारणी में भी ये देखो कि यहाँ पर जहाँ 20 मैक्सिमम हाईएस्ट कितना है? 20। अब आपसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस 20 पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है या इस 20 पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो बच्चों जो लास्ट वाला पॉइंट होगा इन दो कॉन्स्टेंट रेखाओं के बीच में जो लास्ट वाला बिंदु होगा जिस उस बिंदु से नीचे हम रेखा निरूपित करेंगे। तो ये जो बिंदु है हमारा ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है? अधिकतम संतुष्टि का बिंदु। इस बिंदु को नहीं करना है, किस बिंदु को करना है? जो अंत में दे रखा है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? अधिकतम संतुष्टि का बिंदु। इस संतुष्टि के बिंदु से हमें सीधी रेखा नीचे खींचेंगे तो हम देख रहे हैं जहां पर TU अधिकतम है वहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो रही है। दोनों बढ़ रही है, कुल उपयोगिता भी बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता भी बढ़ रही है। लेकिन जब TU हमारा अधिकतम होता है वहां सीमांत उपयोगिता हमें क्या बता रहा है? शून्य बता रहा है। ये संबंध बता रहा है जहां हमारा अधिकतम होगा तो वहां पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य। ये हमारा TU अधिकतम हो गया तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? शून्य हो गई। अगर हम उसके बाद भी किसी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी उपयोगिता में क्या प्रभाव पड़ता है? हमने छठी इकाई का उपभोग किया
अधिकतम संतुष्टि हो चुकी है, अगर हम अब किसी वस्तु का उपभोग करेंगे तो उससे उपयोगिता हमको क्या मिलेगी, कम प्राप्त होगी या ऋणात्मक मिल जाएगी। फिर भी हमने छठी इकाई का उपभोग किया तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है हमारी, 18 माइनस 20, तो किसमें आ जाएगा माइनस में, 18 माइनस 20 तो किसमें आ जाएगी हमारी उपयोगिता माइनस के अंतर्गत आ जाएगी। इससे हमें कितने की प्राप्ति हो रही है, -2 की संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब ये देखो उसके बाद में हमने टीयू करा, टीयू हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है, बढ़ रहा है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा एमयू क्या हो गया, ऋणात्मक हो जाता है। जहां पर टोटल जो हमारा यूटिलिटी है वो नीचे की तरफ जाता है तो हमारा एमयू क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। फिर से समझ लो, कुल उपयोगिता सभी उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाता है, या फिर सीमांत उपयोगिताओं का योग क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता। उसके बाद में सीमांत उपयोगिता जिसे कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि, अतिरिक्त संतुष्टि क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। हमने देखा कि जीरो का हमने उपयोग किया, पहली इकाई कुछ भी उपभोग नहीं किया तो हमें उपयोगिता नहीं प्राप्त हुई है, पहली इकाई का उपभोग किया तो हमें कितने की संतुष्टि प्राप्त हो रही है, 8 की प्राप्त हो रही है। दूसरी इकाई का उपभोग किया तो कितने की प्राप्त हो रही है, 14 की प्राप्त हो रही है। तीसरी इकाई का उपभोग किया हमें कितने की प्राप्त हो रही है, 18 की। हम देखें लगातार हमारी संतुष्टि बढ़ रही है। चौथी इकाई का उपभोग किया तो कितने की हो रही है, 20 की। पांचवी इकाई का उपभोग किया तो कितने की संतुष्टि प्राप्त हो रही है, 20 की अधिकतम प्राप्त हो रही है। फिर हमने छठी इकाई का उपभोग किया, हमें कितने की प्राप्त हो रही है, 18 की। हम देख रहे हैं यहाँ निरंतर बढ़ रही थी हमारी टीयू कुल उपयोगिता, छठी इकाई का जब हमने उपभोग किया तो हमारी टीयू क्या हो गई, नीचे घटने लग गई। इसी को हमने बोला यहाँ तक हमारी अधिकतम थी, उसके बाद भी हमने उपभोग किया तो हमारी क्या हो गई, नीचे की तरफ आ रही है। उसी प्रकार हमने इसमें भी हम देखेंगे, पहली उपाय का उपभोग किया कितने की संतुष्टि मिली, 8 की। दूसरी का उपभोग किया कितने की प्राप्ति हुई, 6 की प्राप्ति हुई। तीसरी उपाय का क्या, 4 की। हमने इसको कैसे ज्ञात किया था, इस इकाई में से इसको शून्य करते जाएंगे तो पहले डैश आ गई, 0 में से 0 घटाएंगे, फिर 8 में से 0 घटाई, 8 आई, 14 में से 8 किया। इस प्रकार हमने इसको ज्ञात किया कि सीमांत उपयोगिता हम यहाँ पे देख रहे हैं निरंतर क्या हो रही है, घट रही है। पहले 8 थी, फिर 6 थी, फिर 4, फिर 0 या 0, फिर यहाँ पे -2। यहाँ सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, निरंतर घट रही है, और यहाँ हमारी कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। जहां ये हमारी 0 हो जाती है वहां पर ये हमारी क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। कुल उपयोगिता का उसके बाद भी अगर अतिरिक्त इकाई को उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये हमारी क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता छठी इकाई पर क्या हो, हमारी ऋणात्मक आ गई। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का पहले हमें अर्थ लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, फिर इसके अंतर्गत हमने इन दोनों के बीच में डायग्राम बनाएंगे, इनकी सारणी बनाएंगे। अब पूछा जाता है 6 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत कि बताइए कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में क्या संबंध है। तो जो भी पेपर ने बातें पढ़ी सुनी आप लोगों ने, वो ही इसके संबंध होते हैं। इसको हम इस प्रकार शॉर्ट में लिखेंगे, कोई भी आप डायग्राम बनाओगे इकोनॉमिक्स में, उस इकोनॉमिक्स के डायग्राम के अंतर्गत इसको पहले क्या लिखोगे, ऐसा डायग्राम बना के आ जाओगे, सारणी बना के आओगे, उसके बाद में इसकी लिखोगे व्याख्या। व्याख्या के बच्चों 2 नंबर मिलते हैं। अगर हम किसी चीज की व्याख्या नहीं लिखेंगे हम तो उसके क्या हो जाएगा, एग्जामिनर पर हमारा गलत प्रभाव पड़ता है कि इसने व्याख्या को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया। भले हमारे पास टाइम नहीं, हम शॉर्ट में लिखे, लेकिन हमें लिखने पड़ेंगे। उसमें हम क्या लिखेंगे, व्याख्या के अंतर्गत OS पे हमें मात्राएं पर दर्शाया गया है और OY पर हमने उपयोगिता को दर्शाया गया है। ऊपर वाले चित्र में हमने उपयोगिता कुल उपयोगिता को बताया है और नीचे वाले में सीमांत उपयोगिता। इसको लिखने के लिए भी बच्चों आप स्टेप में लिखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसका उसके जो होते हमारे बिंदु होते हैं बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देता है। अगर हम कंटिन्यूस चीज को थ्योरी में लिखते हैं तो उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं जाता है। तो पहले नंबर पे लिखोगे, दूसरे पे क्यों लिखोगे कि हमारी जैसे हम देखेंगे हम लिखेंगे कि कुल उपयोगिता हमारी निरंतर बढ़ रही है, उसके बाद में हमने इसको बी बिंदु से दर्शाया, बी बिंदु हमारा अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है,
उसके बाद में हमने देखा टी वो हमारे नीचे की तरफ गिर रही है। नीचे वाले डायग्राम चित्र बी में भी हमने उसी प्रकार ओ एक्स पर हमने क्या बताई है, मात्रा बताई है, और ओ वाई पर हमने क्या बताई है, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है। हमने देखा है कि हमारे लिए सीमांत उपयोगिता क्या हुई है, निरंतर घट रही है। हमने देखा बी बिंदु पर हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है, अधिकतम जीरो है। उसके बाद में हमने वो किया है तो वह शून्य को दर्शा रही है। इसे छोटे छोटे तीन चार पॉइंटों में आपको अपनी व्याख्या को बताना है। उसके बाद में आपको एक नीचे लिखना है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके जो ये संबंध है इनको थोड़ा बता के लिख सकते हो, लेकिन यदि हमारे पास टाइम नहीं है तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। शॉर्ट में लिखने से क्या पड़ेगा कि उनको एग्जामिनर को ये ध्यान पड़ता है कि हाँ इस बच्चे को संबंधों के बारे में भी जानकारी है। संबंध में हम क्या लिखेंगे, टी यू जब बढ़ती है टी एम यू धनात्मक होती है। ये देख लो ये टी यू हमारा निरंतर बढ़ रहा है तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। या 8 14 फिर 14 से 18 जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये हमारी क्या है, 8 6 धनात्मक है। दूसरा हमारा ये है टी यू जब अधिकतम होता है तो एम यू शून्य होता है। यही दूसरा संबंध है, टी यू जब अधिकतम होता है तो हमारा सीमांत उपयोगिता क्या होता है, शून्य होता है। यही आपने देखा टी यू में हमारा अधिकतम हो गया तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गया, शून्य हो गया। उसके बाद में आप देखो तीसरा वाला क्या कहता है हमारा बिंदु, जब टी यू घटने लगती है, यहाँ बी बिंदु के बाद टी यू घट रहा है, जब टी यू घटने लगता है तब एम यू क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। यही हमने इसमें लिखा है, जब टी यू यहाँ पे हमारा अधिकतम हो गया है सीमांत उपयोगिता क्या हो गया, शून्य हो गया है। सारणी में भी यही है, जब टी यू अधिकतम हो गया है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गया है, शून्य हो गया है। एक एक बार टैली हो गया ना संबंधों से। उसके बाद में है टी यू सीमांत उपयोगिता का जोड़ होता है, तो जो हमको ये बताया है जो जितना भी कलर हमने जो अक्षर से आया है ये क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का जोड़ होता है। 6 और 10 और 18 ये क्या हो गया, हमारा सीमांत उपयोगिता का जोड़। इसके चार संबंध है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उन बिंदुओं को थोड़ा विस्तृत रूप से लिख सकते हो, वरना जो हम डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम के पास में, जैसे मैंने अभी इसके पास में लिखा है, सेम उसी प्रकार आपको एक डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के पास में ऐसे बिंदु लिखने हैं और ऊपर लिखना है इनके बीच में संबंध है। और टाइम अधिक है तो आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्पष्ट विस्तृत रूप से इसका वर्णन कर सकते हो कि इसका प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है, कि टी यू के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, एम यू कैसा हो जाता है, ऋणात्मक एम यू क्या रहता है। और ऐसे भी एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाते हैं आपसे कि जब हमारा टी यू टोटल यूटिलिटी अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता कैसा होता है हमारा, शून्य। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स में कहीं भी आप रटोगे तो वहां आप क्या जाओगे, भूल जाओगे कि माइनस में था, ऋणात्मक में था या धनात्मक में था, कैसा था। आपको समझ में करना है कि यहाँ हमारा अधिकतम है, जहां टी यू अधिकतम हो गया वहां सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आपके माइंड में आप जो भी रेखा चित्र होगा, रेखा चित्र को 4-5 बार आप उसको बनाओगे तभी आपको ये याद होगा कि जहां हमारा क्या होगा। कोई भी आपको से उठा के पूछे कि बताओ टी यू जब हमारा अधिकतम होता है तो एम यू हमारा कैसा होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए जब टी यू अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, शून्य। फिर पूछा जाए यदि जब टी यू ऋणात्मक होता है, टी यू ऋणात्मक होता है तो हमारा एम यू कैसा होता है, हम बोलेंगे हमारा एम यू क्या होता है, नीचे जब ये घटता है तो एम यू हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है कई बार, कुल उपयोगिता का सूत्र बताइए, सीमांत उपयोगिता का सूत्र बताइए, ये भी आपको आना चाहिए। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पूरा लिख के आना है। कुल उपयोगिता, पहले तो उपयोगिता का अर्थ, फिर सीमांत उपयोगिता का अर्थ, कुल उपयोगिता का अर्थ, उसके बाद में आपको ये सारणी बनानी है। सारणी बनाने के पश्चात में आपको ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद में आपको इनके संबंधों को लिखना है। समझ में आ गया बेटा, कोई भी दिक्कत है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, आप बता आप लिख सकते हैं मोबाइल से, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। पढ़ने के बाद भी आपको समझ में आएगा, आपने सोचा कि एक बार वीडियो पढ़ने देख लें, लेकिन इसको देखने के पश्चात अपनी बुक खोल के आप इसको डिटेल में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में और इसका देखेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो और बताएंगे इसको कैसे करते हैं।
ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के बारे में वर्णन कीजिए, इनके संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो हमें वहां पर ये सारी बातें लिखकर आनी है। कभी कभी यह हो जाता है कि आपसे केवल संबंध पूछेंगे कि संबंधों के बारे में वर्णन करो, तब हमें पूरे डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, केवल ये लिखना है। परिभाषा पूछे तो उतना ही, जितना एग्जाम में आपसे पूछा जाता है केवल आप उतना ही लिखिएगा। थैंक यू बच्चों, आराम से इसको लिखना देखना। नेक्स्ट क्लास में इसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे।